अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सरफेट। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से नया जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं जबकि आपके मोबाइल में पहले ही एक जीमेल अकाउंट ऐड है, तो इस वीडियो में मैं आपको जीमेल अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से जीमेल ओपन करना है। उसमें ऊपर राइट कॉर्नर पर एक गोल दायरा सा नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें एम शो हो रहा है। ये यहाँ पर एम इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इस एम के नाम से मेरे पास पहले आईडी जीमेल में ऐड है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने ऐड एन अदर अकाउंट पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस होगा। उसमें आपने सबसे पहले जो ऑप्शन होगा गूगल वाला, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो दोस्तों, जब तक लोडिंग हो रही है, आप जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली यूजफुल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये लॉगिन टैब ओपन हो जाएगी, तो इसमें आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन जो है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शन नज़र आएंगे, फॉर माई सेल्फ कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ ईमेल, टू मैनेज माई अदर बिजनेस, ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो किसी बिजनेस के लिए ईमेल बना रहा है। तो हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कुछ लोडिंग करेगा। इसके बाद दो बॉक्स जाहिर होंगे जिसमें नाम लिखना है। पहले बॉक्स में फर्स्ट नेम और दूसरे बॉक्स में सेकेंड नेम लिखना है। तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का मतलब ये है कि अगर आपका नाम आबद अली है तो पहले बॉक्स में आबद और दूसरे में अली लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं चूंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं जस्ट अज्यूम दैट के टेस्ट आईडी लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। और इसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने पहले मंथ दिया हुआ है, इसमें से एक मंथ सेलेक्ट करना है। और अब इसमें नेक्स्ट वाले में डे है, तो तारीख कौन सी है वो कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड पर दी हुई है वही लिखनी है। तो इसके बाद ईयर है, उसमें लिखना है 2000 जितना भी 1900। और इसके बाद नीचे जेंडर पूछा जाता है कि आपकी जिन्स कौन सी है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले फीमेल अगर आप औरत हैं, उसके बाद मेल अगर आप आदमी हैं, और उसके बाद रादर नॉट टू से कि आप बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद कस्टम। तो हम यहाँ से रादर नॉट टू से सिलेक्ट करेंगे कि हम नहीं बताना चाहते। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ये आपको दो सजेशंस के तौर पर ईमेल भेज देगा, इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। ये बेहतरीन प्रोसेस होता है कि इसमें आप इजीली अपना ईमेल बना बनाया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना खुद ईमेल बनाना चाहते हैं तो ये नीचे जो तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है क्रिएट योर ओन जीमेल अकाउंट एड्रेस, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपसे ईमेल पूछेगा, तो आपने सिंपली अपना ईमेल जो भी आपने लगाना है वो बता देंगे। तो मैं तो यहाँ सिंपली ये दूसरा ईमेल जो मुझे ईजी लग रहा है यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है और पासवर्ड 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसमें एक बात का ये ख्याल रखें कि एक हिस्सा जो इसमें कम से कम कैपिटल लेटर्स का हो, यानी बड़ी ABC का, और एक जो है वो स्मॉल लेटर पर मुश्तमिल हो, और एक जो गिनती में से 1, 2, 3 उसमें से कोई सिलेक्ट करें। इस तरह आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि गूगल की पॉलिसी के मुताबिक होगा। तो दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड डायल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके यस आई एम इन पर क्लिक कर दें, तो आपका नया जीमेल अकाउंट शो होगा जिसे आप किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं। इसके बाद ये गूगल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे आपने फॉलो करना है। मसलन, कोई गलत कंटेंट शेयर नहीं करना, आपकी एक्टिविटी सेव होगी, आपकी हिस्ट्री इन कंट्रोल में होगी, वगैरह वगैरह। तो आप सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर दें।
आपका अकाउंट बन जाएगा कुछ सेकंड में, यहाँ पर आ जाएगा। लीजिए दोस्तों, आपका अकाउंट शो हो गया है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए इस पर क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।